हाय व्यूवर्स व्यूवर्स आज हम आपको आज की इस वीडियो में जो है गेट वॉल और गेट वॉल एक्सटेंशन के बारे में बताएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये गेट वॉल की एक्सटेंशन है और ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास कंसील्ड गेट वॉल है। ये देख सकते हैं, ये गेट वॉल का हैंड व्हील है। ये देखें इसका, ये टाइल के ऊपर लगने वाला कवर है। इस तरह ये रबड़ सील है, ये इसकी थ्रेड है। तो आज हम इसकी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो गेट वॉल की एक्सटेंशंस हैं वो क्यों ज़रूरी होती है। यानी कहीं कहीं जब हम इंस्टॉल करते हैं गेट वॉल, और गेट वॉल जो है कंक्रीट के अंदर ज़्यादा डीप में चला जाता है, तो उसके लिए हमें ये यूज़ करनी पड़ती है। देखें ये जो है गेट वॉल की एक्सटेंशन है, स्टेनलेस स्टील की है ये। इसका जो स्पैंडल है ये देखें, ये ब्रास का है। ये देखते हैं इस पर स्प्लाइन बनी हुई है। इसका साइज़ और जो हमारा गेट वॉल है उसके, ये देख सकते हैं अंदर से आपको नज़र आ सकती है ये स्प्लाइन। ये देखें ये अंदर स्प्लाइन नज़र आ रही है, ये स्प्लाइन और ये आउटडोर और इंडोर जो है ना इसकी, ये सेम साइज़ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी हमारे पास एक्सटेंशन आ गई और ये जो है हमारे पास गेट वॉल है। तो हम जो गेट वॉल इंस्टॉल करते हैं, तो गेट वॉल इंस्टॉल करने से पहले जो है हम इसके ये जो इसका व्हील है, इसकी ये जो असेंबली है और ये जो इसकी प्लेट है, इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ओनली जस्ट हम इसको गेट वॉल, जो इसकी गेट वॉल की बॉडी होती है वो, और उसको हम पीपीआर पाइप से वेल्ड करके कंक्रीट ड्यूरिंग कंक्रीट से पहले जो है हम इसको अच्छी तरह से इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो हमारे पास स्पैंडल बचता है उसको हम अच्छी तरह से किसी भी टेप से या प्रोटेक्शन कवर आता है इसके साथ प्लास्टिक का, वो इस पर जो है कवर, सॉफ्ट कवर वो चढ़ा देते हैं। उससे ये है कि कंक्रीट और फार्म वर्क से जो है वो स्पैंडल डैमेज होने से बच सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्टील वॉल जो है, जैसे हमारे पास अगर 14 सेंटीमीटर की या 18 सेंटीमीटर की हमारे पास जो कंक्रीट वॉल है और जो इसमें स्टील का जो स्टील वर्क हुआ हुआ है, तो हमारे पास वो अगर हम 2 सेंटीमीटर कवर रिमूव कर दें, तो हमारे पास जो है 18 में से 14 सेंटीमीटर का जो है हमारे पास स्टील का स्ट्रक्चर अंदर बचता है। तो ये हमारे पास जो पाइप्स हैं पीपीआर पाइप्स और यूपीवीसी पाइप, ये हमें वॉश बेसन के लिए जब हमें इंस्टॉल करने होते हैं, ये हमें डब्ल्यूसी के लिए इंस्टॉल करने होते हैं, ये हमें टॉयलेट्स में ऑल शावर ट्रे के लिए इंस्टॉल करने होते हैं, तो जो हमारे पास कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर हम जो बनाते हैं, जिसमें वॉल्स भी कंक्रीट की होती हैं और रूफ भी कंक्रीट की, और एक साथ ही पूरी कंक्रीट जो है कास्टिंग की जाती है, पूरी शटरिंग लगा के भी लगो, तो वो जो वॉल्स हैं उसके अंदर जब हम ये अपने गेट वॉल इंस्टॉल करते हैं, तो गेट वॉल जो है कभी प्लास्टर होने के बाद या वॉल्स का अलाइनमेंट सही नहीं आने के बाद, या उससे क्या होता है कि हमारे गेट वॉल्स जो हैं, ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये 6 से 7 सेंटीमीटर है टोटल, ये जो हमारा स्पैंडल है और ये जो कहने में हैंड व्हील है और ये जो है, तो ये इतना वॉल में जब ये अंदर साइड चला जाएगा, तो ये हमारा जो हैंड व्हील है ये प्रॉपर जो है ओपन नहीं होगा, टाइल ये जो है टाइल से टच हो जाएगा। ये जो हमारा इसका कॉलर है हैंड व्हील का, ये टाइल से टच हो जाएगा और ये सब जो है असेंबली वगैरह ये अंदर चली जाएगी और ये इस तरह से कहीं ऐसा लुक आएगा, देखें इस तरीके से। तो बाज़ दफ़ा ये इतना ज़्यादा अंदर चले जाता है गेट वॉल कि उसको जो है बाहर जो है हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। उस एक्सटेंशन के लिए हमारे पास ये देखें, ये बहुत अच्छी कॉस्टली होती है, देख सकते हैं आप। ये देखें इस तरह हम किस तरह इसको इंस्टॉल करेंगे, इसका ये जो हैंड व्हील है इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये सेंटीमीटर में जो इसका ये स्पैंडल के ऊपर जो हमारे पास थ्रेडेड कवर है, ये देख सकते हैं इससे बड़ा है, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास नाइन सेंटीमीटर का है हमारे पास, ये देख सकते हैं मैं आपको इसको, ये देख सकते हैं हमारे पास ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर का है हमारे पास। ये जो इसका स्पैंडल का ऊपर कवर है, ये हमारे पास जो है 9 सेंटीमीटर का है, और ये जो कवर है ये हमारे पास मैक्सिमम जो है 5 का होगा, तो हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर ये बड़ा है। तो इससे इसको लगा के, इसको कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हैंड व्हील को रिमूव करेंगे, ठीक है, इसको रिमूव करेंगे, इस प्लेट को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद अंदर स्पैंडल आ जाएगा, ठीक है। उस स्पैंडल पे इस तरीके से देखें स्प्लाइन बनी होंगी, इस तरीके से ये स्प्लाइंस होंगी, ठीक है। तो
इसको रिमूव करने के बाद, इसको इसके अंदर जा डालने के बाद इसको थ्रेड कर देंगे, टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जो इसकी जो स्प्लाइन है, इसके अंदर जो ग्रूव्स है, ये एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएंगे। फिक्स होने के बाद ये जो हमारे पास, ये देख सकते हैं, ये जो हैंड व्हील है, ठीक है, ये हम इससे रिमूव करके इसके ऊपर लगा देंगे। ये प्लेट्स इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरह ये हमारा गेट वाल, देखें आप, अंदर जो ब्रास असम्बली है वो वही रहेगी। ये इसके ऊपर की सारी चीज़ें ये एक्सटेंड हो जाएंगी हमारी, देख सकते हैं आप। तो ये जो है, इस काम के लिए हम जो है इसको गेट वॉल एक्सटेंशन कहते हैं। और इसको किसी भी वॉल के अंदर, किसी भी कंक्रीट वॉल में, और एम्बेडेड जहाँ पे हमारे पास पीपीआर का काम एम्बेडेड हो रहा है और पीवीसी का काम एम्बेडेड हो रहा है, तो वहाँ पे जब हम इंस्टॉल करते हैं तो गेट वॉल हमारे वॉल के अंदर चले जाते हैं। तो उसके अंदर जाने की वजह से जो है ये जो है इसको एक्सटेंड करेगा, और ये प्रॉपर तरीके से जो है हमारा हैंड व्हील इस पर काम करेगा। गेट वॉल ओपन होगा, क्लोज होगा। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप, कभी भी अगर आपको कोई गेट वॉल का काम करवाना है, और आप जो भी प्लम्बर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको ये पता होगा कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत जगह पे, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो है हम इसको गेट वॉल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सटेंशन होते हैं, यानी ये कंसील्ड वॉल के लिए है, इस तरह जितने भी टाइप्स के गेट वॉल्स हैं उसके लिए अलग अलग टाइप्स की जो है हमारे पास जो ये मार्केट्स में अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ से इस कवर को रिमूव करेंगे, देखिए यहाँ से कवर को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो है अंदर एक स्क्रू लगाओ, स्क्रू को रिमूव करने के बाद ये सब असेंबली बाहर आ जाएगी, और इसको अच्छे तरीके से जो है हम वॉल के अंदर, कंक्रीट वॉल के अंदर टॉयलेट्स के लिए फिक्स कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इमरान अब्बासी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और किसी भी तरह की मैकेनिकल की मालूम के लिए जो है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अंदर थ्रेड बनी, ये देख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी जो है थ्रेड्स हैं, ये देखते हैं, ये थ्रेड आराम से रिप्लेस हो जाएंगी। ये जो है हमारे पास सिलेंडर है, ये यहाँ पे रिप्लेस होगा। ये सिलेंडर को रिमूव करके किसी और जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ, ये देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है आपको इस बारे में बताया है कि आप किस तरीके से गेट वॉल को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं।